दोस्तों, ईरान और इसराइल के वॉर में एक नया ट्विस्ट आ चुका है, और ट्विस्ट ना भी आता लेकिन जब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया बेंजामिन नेतन्याहू, आपको पता है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, और उनको एक ईरानियन एजेंट ने बताया, या फिर आपको बता सकते हैं उनको एक तरीके से खुफिया एजेंसी के थ्रू ये पर्टिकुलर जब बात पता चली है, तो उन्होंने जो बात कह दी है उससे क्लियर कट देखने को मिल रहा है कि वॉर रुकने का तो नाम छोड़ दीजिए, वॉर में बहुत बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है आफ्टर दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट। चूंकि ये इंसिडेंट पर्सनल अटैक है, यानी कि यहाँ पे सीधा देखिएगा टारगेट पे ईरान के लीडर और इसराइल के लीडर हैं, अब सीधा 1-to-1 फेस टू फेस देखिएगा गेम है, और इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है नेतन्याहू, जिसको आप ट्विटर पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा देखिएगा नेक्स्ट वीक, देखिएगा इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है इस पर्टिकुलर अपडेट का। हो सकता है नेक्स्ट वीक कोई आपको बड़ा रिस्पॉन्स भी देखने को मिल जाए, या तो ईरान की तरफ से जो देखिएगा हमास के लीडर को मारा है, या तो इसराइल की तरफ से जो ईरान ने अटैक किया था। तो क्या हुआ है एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने, अगर आप देखेंगे तो वो भले ही देखिएगा इतने सालों से प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, और उनके जो जनता है उन पे काफ़ी ज़्यादा करप्शन के चार्जेस और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी, बट अगर आप बात करें ओवरऑल 2017 से अक्टूबर से देखिएगा जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक उन्होंने वॉर में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पाई है। मतलब ऐसे बड़े बड़े नाम अगर आप देखेंगे जो 15-15, 20-20 साल से देखिएगा इतने बड़े लीडर थे, अगर उन नाम को उन्होंने ख़त्म कर दिया है तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने बहुत बड़े कारनामे किए हैं। तो ऐसे में इनों के ऊपर क्या अपडेट आया है, अपडेट आप देख लीजिए। तो ईरान ट्राइड टू असैसिनेट इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, यानी कि उनको यहाँ पे पता चला है कि उनको मारने की, उनकी हत्या करने की साजिश रची थी ईरान ने, और जो नाकाम हुई है, और ग्रेव मिस्टेक, यानी कि ये देखिए नेतन्याहू ने क्या रिप्लाई किया है, ग्रेव मिस्टेक, मतलब ऐसी मिस्टेक जो देखेगा आपकी देखेगा कहीं ना कहीं कब्र खोद देगी। तो नेतन्याहू ने क्या कहा है, हिजबुल्ला ट्राई टू किल हिम इन अ ड्रोन अटैक वॉन्स ईरान ऑफ हैवी प्राइस, यानी नेतन्याहू ने कहा है हिजबुल्ला ने उनके घर को निशाना बनाया थ्रू द ड्रोन अटैक, और उनको मारने की कोशिश की गई है, और इसके लिए ईरान को वार्निंग दी है कि हैवी प्राइस चुकाना पड़ेगा आपको। अब आप समझ सकते हैं कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इजरायली न्यूज़ ने चैनल 12 साइटिंग अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड तेहरान ट्राइड टू किल इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हुज होम केम अंडर द हिजबुल्ला फायर, यानी कि जिनका घर हिजबुल्ला के देखिएगा टारगेट पे था, ड्रोन अटैक के टारगेट पे था। तो आप समझ सकते हैं ये देखिएगा ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं। अभी मैं आपको उस ट्विटर का भी दिखाता हूँ जिसपे बेंजामिन नेतन्याहू ने रिप्लाई करा है, और आपको पता है दो बड़े दिग्गज आमने सामने आ चुके हैं। सैटरडे की अपडेट है, तो इम्पैक्ट कब पड़ेगा, नेक्स्ट वीक स्टार्टिंग में, और रिमेन्स अंडररेटेड बाय द हिजबुल्ला ड्रोन अटैक दैट टारगेट हिज होम वॉर्न्ड ईरानियन प्रॉक्सीज दैट दे विल पे अ हैवी प्राइस फॉर टारगेटिंग हिम एंड हिज वाइफ, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि अब ईरान को इसके लिए हैवी प्राइस चुकाना पड़ेगा अगर वो उनके वाइफ को, उनकी फैमिली को, उनके देखेगा खुद के अस्तित्व पे देखेगा यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। अब ये ट्विटर पे आप जाके चेक कर सकते हो, ये देखिए ट्विटर पे जाके आप चेक कर सकते हो, अपडेट 19 अक्टूबर की है आपके सामने। द अटेम्प्ट बाय ईरान प्रॉक्सीज हिजबुल्ला असैसिनेटेड मी माई वाइफ टूडे वॉज ग्रेव मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक थी। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्वीट बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगा, दिस विल नॉट डिटर मी द स्टेट ऑफ द इसराइल द कम काउंटिंग और जस्ट वॉर अगेंस्ट अवर एनिमीज इन ऑर्डर टू सिक्योर अवर फ्यूचर। तो अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है, जबकि यही प्राइम मिनिस्टर हैं जो अभी हमास के लीडर को मारने के बाद एंड ऑफ वॉर या फिर सीज फायर की बातें कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ा ट्विस्ट जिसके बेसिस पे स्टॉक मार्केट भागा था, ये आ चुका है, इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट पर।
तो थोड़ा सा इसको लेकर भी अलर्ट रहिएगा नेक्स्ट वीक। राम राम।